फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये बाइक का चेन कवर है, थोड़ा नजदीक से दिख लो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चेन कवर है और इस चेन कवर के ऊपर से रस्ट लग गया है, जंग लग गया है और ये देखने में बिल्कुल खराब लगते रहता है बाइक में। बाइक का टोटल पार्ट नया रहता है लेकिन चेन कवर जो है सो खराब हो जाता है, देखने में बहुत ज़्यादा आपको खराब लगते रहता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इधर से कितना ज़्यादा रस्ट लग गया है, इसको क्या करना पड़ेगा वो हम आप लोगों को बतलाएंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि बाइक के रिलेटिव हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स वीडियो का देरी नहीं करते हुए चलिए कर लेते फटाफट से हम स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको बाइक को चेन कवर को खोल करके ओपन कर लेना, साइड कर लेना है बाइक से। फिर उसके बाद अगर इस तरह का आपका चेन कवर पे रस्ट लगा है, जंग लगा है, इसको पहले आपको अच्छा से क्लीन कर लेना है। देख रहे हैं आप इधर से बाइक के चेन से जो ऑयल बाहर निकला है उसके कारण से भी यहाँ पे देख कितना ज़्यादा ऑयल जम गया है, इसको भी अच्छा से सफाई करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्क्रू ड्राइवर का भी मदद ले सकते हैं या फिर आपके पास किरासन तेल है तो किरासन तेल से भी इसको साफ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस नॉर्मली स्टार ब्रश का आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे स्टार ब्रश का यूज कर रहा हूँ, देखिए इसके अंदर जो भी डस्ट जमा है टोटल बाहर निकल रहा है। इसको अच्छा से क्लीन कर लेना है। वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, उसके बाद ही आपको टोटल स्टेप समझ पाइएगा। इस तरह का रैपर लेना है, सरेस का हाथ लेना है, इसको इसे अच्छा से क्लीन करना है। इसके ऊपर जो भी रस्ट लगा है टोटल रस्ट पर आगे साइड कर देना है, कितना ज़्यादा जंग लग गया है यहाँ पर। फिर इसको हम पहले अच्छा से वॉश कर लेते हैं फिर आपको बतलाते हैं। आप ये देख रहे हैं वॉश होकर के आ गया, अब इसको क्या करना है कुछ देर धूप में छोड़ देना ताकि सूख जाएगा अच्छा से, उसके बाद ही इसको पेंट करना है। पेंट करने का सही तरीका क्या है वो हम आप लोगों को बतला रहे हैं। आप वैसे पेंट कर देते हैं तो दो चार रोज में आपको पेंट खराब हो जाएगा, आपको पैसा बर्बाद हो जाएगा। सही तरीका क्या है ये हम आपको बतलाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इसको बिना सफाई किए हुए पेंट कर देते हैं या आपको दो से चार रोज दस रोज में ऑटोमेटिक इससे पेंट हट जाएगा, छूट जाएगा, फिर देखने में ऐसा ही कलर हो जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसको जब भी आप पेंट करते हैं इसको अच्छा से पहले सफाई कर लेना है फिर उसके बाद ही इस पर पेंट करना है। आप इसको ब्रश से पेंट करते हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके मार्केट में ब्रश पेंट नहीं मिल रहा है या फिर ये आप देख रहे हैं स्प्रे पेंट है यहाँ पर और ये सिल्वर कलर का पेंट है, स्प्रे पेंट है और ये सिल्वर कलर का पेंट है, इसको पेंट इससे कैसे करना है। इसको पेंट करने के लिए सबसे पहले इसको अच्छा से इस तरह से आपको मिक्स कर देना, देखिए अगर अच्छा से मिक्स हो जाएगा ये इसको पेंट करने का जो सही तरीका है, इसको आप मिक्स करने के बाद इसको अच्छा से इस तरह से आप पेंट करना है थोड़ा थोड़ा करके। ये पेंट यूज करने में एक बहुत अच्छा फायदा है, ये पेंट आपको चार से पाँच मिनट में सूख जाता है, सूखने में बहुत जल्द सूख जाता है। हम इसको दूसरे वाले चेन कवर को पेंट कर लेते हैं। देखिए दोनों चेन कवर प्रॉपर पेंट हो गया, अब इसको कुछ देर साइड में रख देना सूख जाएगा, फिर एक बार इस पर हल्का पेंट करना है, इस पर दोबारा पेंट करना है, बहुत हल्का पेंट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ देर सूखने के बाद कुछ इस तरह का दिखने लगा, फिर इसको दोबारा से पेंट करना है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप इतना स्टेप घर पर भी खुद से भी कर सकते हैं। अब जब भी चेन कवर को पेंट करें इसको खोल करके पहले बाहर निकाल लीजिए, फिर इसको अच्छा से सफाई कर दीजिए, फिर उसके बाद ही पेंट कीजिएगा। अब दूसरा वाले चेन कवर को पेंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ये पेंट परचेज करना चाहते हैं, आपके मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो आपको नीचे मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पेंट को परचेज कर सकते हैं। सिल्वर कलर हो, ब्लैक कलर हो, ब्लू हो, रेड हो, अब जो भी कलर का चाहिए पेंट, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। इसको भी धूप में रख देते हैं कुछ देर सूखने के लिए। देखिए ये प्रॉपर पेंट कुछ ही देर में सूख करके रेडी हो गया। अब इसको हम बैक में कर रहे हैं फिट, देख रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं, हाथ में भी नहीं आ रहा है, प्रॉपर ये सूख करके सही हो गया। दोनों चेन कवर भी देखने में आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसको हम बैक में कर रहे हैं फिट, फिर उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, अब जैसे लग रहा है नया चेन कवर बैक में इंस्टॉल किया, फिट किए गए हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से भी कलर शेड हो गया, रस्ट लगा, तो आप इस पर आप चाहे तो आप इस पर नॉर्मली ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं। इसी आप जो भी कलर यूज कीजिए, आप इसी तरीका से आप कलर को यूज करना है जैसे हम आपको वीडियो में बतलाए हैं। इसको अच्छा से क्लीन करके ही आप कलर का यूज कीजिएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।